हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 से भी ज़्यादा बेंगोली सेंटेंस सीखेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो चलिए हम फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बांग्ला सीखो। तो चलिए हम फटाफट से ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, एटा कोरा अनेक द्वारकर, या तो ऐसे भी बोल सकते हो दोस्तों, एटा कोरा खूब ही द्वारकर, दोनों ही बोल सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है, यानी एटा कोरा अनेक द्वारकर, या तो ऐसे भी बोल सकते हो, एटा कोरा खूब ही द्वारकर। ये यानी एटा, करना यानी कोरा, बहुत यानी अनेक या खूब ही, दोनों ही बोल सकते हो। जरूरी है यानी द्वारकर, बहुत, इसको बंगाली में अनेक या खूब दोनों ही बोलते हैं। आपको जो सही लगे आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों, दोनों सेम है। मैंने उसे बोला है, इसको बंगला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमी ओके बोले छी। मैंने उसे बोला है यानी आमी ओके बोले छी। मैंने उसे यानी आमी ओके बोला है यानी बोले छी। तुम मुझे बोल सकते हो, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, तुम्हें आमाके बोलते पारो। तुम मुझे बोल सकते हो यानी तुम्हें आमाके बोलते पारो। तुम यानी तुम्हें, मुझे यानी आमाके, बोल सकते हो यानी बोलते पारो। मैंने उसे बोला था, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमी ओके बोले छिलाम। मैंने उसे बोला था यानी आमी ओके बोले छिलाम। मैंने उसे यानी आमी ओके बोला था यानी बोले छिलाम। मुझे थोड़ा मदद करो, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमाके एकटु साहज्य करो। मुझे थोड़ा मदद करो यानी आमाके एकटु साहज्य करो। मुझे यानी आमाके, थोड़ा यानी एकटु, मदद करो यानी साहज्य करो। मदद को बांग्ला में साहज्य बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है, क्या यह बहुत दूर है, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, एटा की अनेक दूरे। क्या यह बहुत दूर है यानी एटा की अनेक दूरे। क्या यह यानी एटा की बहुत दूर है यानी अनेक दूरे। मैं किताब पढ़ रहा हूँ या रही हूँ, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमी बोई पढ़छी। मैं किताब पढ़ रहा हूँ या रही हूँ यानी आमी बोई पढ़छी। मैं यानी आमी किताब यानी बोई पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ यानी पढ़छी। मैं कोशिश करूँगा या करूँगी, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमी चेष्टा करबो। मैं कोशिश करूँगा या करूँगी यानी आमी चेष्टा करबो। मैं यानी आमी कोशिश यानी चेष्टा करूँगा या करूँगी यानी करबो। मैंने कोशिश किया था, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आमी चेष्टा करेछिलाम। मैंने कोशिश किया था यानी आमी चेष्टा करेछिलाम। मैंने यानी आमी कोशिश यानी चेष्टा किया था यानी करेछिलाम। कोशिश करते रहो, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, चेष्टा करते थाको। कोशिश करते रहो यानी चेष्टा करते थाको। कोशिश यानी चेष्टा करते रहो यानी करते थाको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आस्ते हटो ना होले पड़े जाबे, या तो ऐसे भी बोल सकते हो दोस्तों, आस्ते हटो नहीं तो पड़े जाबे, दोनों ही बोल सकते हो। ओके दोस्तों, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे यानी आस्ते हटो ना होले पड़े जाबे, या तो ऐसे भी बोल सकते हो, आस्ते हटो नहीं तो पड़े जाबे, दोनों ही बोल सकते हो दोस्तों। धीरे चलो यानी आस्ते हटो, नहीं तो यानी ना होले या नहीं तो, दोनों ही बोल सकते हो। गिर जाओगे यानी पड़े जाबे। फिर आना, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, आबार आजबे। फिर आना यानी आबार आजबे, फिर या फिर से, इसको बोलते हैं बांग्ला में आबार। आना यानी आजबे। इस शर्ट की कीमत कितना है, इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ए जामाटार दाम कतो।
इस शर्ट की कीमत कितना है यानी ए जामाटार दाम कतो। इस यानी ए शर्ट की यानी जामाटार कीमत यानी दाम कितना है यानी कतो। इस शर्ट की कीमत 500 रुपए है। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा ए जामाटार दाम 500 टका। इस शर्ट की कीमत 500 रुपए है यानी ए जामाटार दाम 500 टका। दोस्तों 500 को बांग्ला में 500 बोलते हैं। इस यानी ए शर्ट की यानी जामाटार कीमत यानी दाम 500 यानी 500 रुपए है यानी टाका। इसको ऊपर रख दो। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा एके ऊपर रेखे दाओ। इसको ऊपर रख दो यानी एके ऊपर रेखे दाओ। इसको यानी एके ऊपर यानी ऊपर रख दो यानी रेखे दाओ। छोड़ दो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा छेरे दाओ आमी कोरे नेबो। छोड़ दो मैं कर लूंगा या कर लूंगी यानी छेरे दाओ आमी कोरे नेबो। छोड़ दो यानी छेरे दाओ मैं यानी आमी कर लूंगा या कर लूंगी यानी कोरे नेबो। मैं सोचा था आज घूमने जाऊंगा। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा आमी भेबे छिलाम आज के घूरते जाबो। मैं सोचा था आज घूमने जाऊंगा यानी आमी भेबे छिलाम आज के घूरते जाबो। मैं यानी आमी सोचा था यानी भेबे छिलाम आज यानी आज के। आज की जगह आप आज भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। घूमने यानी घूरते जाऊंगा यानी जाबो। तुम बर्तन माज लो। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा तुम्ही बासन मेजे नाओ। तुम बर्तन माज लो यानी तुम्ही बासन मेजे नाओ। तुम यानी तुम्ही बर्तन यानी बासन माज लो यानी मेजे नाओ। ओके दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है मैं बर्तन धो लेता हूँ। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा आमी बासन धुए निच्छी। मैं बर्तन धो लेता हूँ यानी आमी बासन धुए निच्छी। मैं यानी आमी बर्तन यानी बासन धो लेता हूँ यानी धुए निच्छी। ओके दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है तुम जल्दी बर्तन धो लो। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा तुम्हें तारा तारी बासन धुए नाओ। तुम जल्दी बर्तन धो लो यानी तुम्हें तारा तारी बासन धुए नाओ। तुम यानी तुम्हें जल्दी यानी तारा तारी बर्तन यानी बासन धो लो यानी धुए नाओ। मैं बर्तन लगा देता हूँ। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा आमी बासन लागिए दिच्छी। मैं बर्तन लगा देता हूँ यानी आमी बासन लागिए दिच्छी। मैं यानी आमी बर्तन यानी बासन लगा देता हूँ यानी लागिए दिच्छी। ये बहुत अच्छा किया तुमने। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा एटा अनेक भालो करेछो तुम्हें। ये बहुत अच्छा किया तुमने यानी एटा अनेक भालो करेछो तुम्हें। ये यानी एटा बहुत यानी अनेक अच्छा यानी भालो किया यानी करेछो तुमने यानी तुम्हें। मेरा सिर मत खाओ। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा आमर माथा खेओ ना। मेरा सिर मत खाओ यानी आमर माथा खेओ ना। मेरा यानी आमर सिर यानी माथा। सिर को बांग्ला में माथा बोलते दोस्तों। मत खाओ यानी खेओ ना। मुझे बार बार फोन मत करो। इसको बांग्ला में बोलेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा अमाके बार बार फोन करबे ना। मुझे बार बार फोन मत करो यानी अमाके बार बार फोन करबे ना। बार बार को बांग्ला में बार बार ही बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। मुझे यानी अमाके बार बार यानी बार बार। फोन को भी बांग्ला में फोन ही बोलते है दोस्तों, ठीक है। मत करो यानी करबे ना। अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बात करें बांग्ला भाषा में सीखना चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करो। और ज्यादा बांग्ला भाषा सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।